अजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम। पहली बार दुनिया के सामने इन मूर्तियों की झलक आई। बस ये समझ लीजिए कि ये वो मूर्तियां हैं जो अयोध्या में चर्चित भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित की जाएंगी। भले ही अयोध्या केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, भले ही राम मंदिर को लेकर अभी चीजें साफ नहीं हैं, लेकिन श्री राम मंदिर की मूर्तियां तेजी से तैयार की जा रही हैं। भक्तों का दावा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बनकर रहेगा, और जब वो मंदिर बनेगा तो उसके अंदर जो मूर्तियां लगेंगी वो आपके सामने है। भगवान श्री राम की संपूर्ण जीवन की एक एक अहम कड़ी को इन मूर्तियों के जरिए दिखाया गया है। रामायण का हर कांड इन मूर्तियों में समाहित है। दावा है कि ये मूर्तियां राम मंदिर परिसर के राम कथा कुंज में लगेंगी। ऐसी 125 मूर्तियां तैयार की जा रही है। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रामायण के हर किरदार की मूर्ति को तराशा जा रहा है। इन मूर्तियों को बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से काम में तेजी लाने को कहा गया है। कारीगरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, बाहर से और कलाकार मंगवाए गए हैं। ये मूर्तियां सारी वहाँ बैठेगा, राम मंदिर जब बन जाएगा तो उनकी 60 एकड़ जमीन के चारों तरफ से ये मूर्तियां दर्शाया जाएगा। मूर्तियों को सीमेंट, सरिया और कंक्रीट के मिश्रण से तैयार किया जा रहा है। ये मूर्तियां विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बनाई जा रही हैं। मूर्ति बनाने का काम 5 सालों से चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि मंदिर को लेकर संतों की देववाणी के बाद ही मूर्तियां बनाने के काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का जब निर्माण होगा तो स्वाभाविक है 77 एकड़ जो भूमि है जो अधिग्रहण किया गया और उसमें उसे जो है सुसज्जित करने का भी प्रयास किया जाएगा, और वह सुसज्जित होगा। एक विश्व की जो है एक धार्मिक राजधानी है, ये अपनत्व का भाव जागृत हो उनके अंदर, एक जो है एक दर्शनीय बने। इस कारण से जो है यहाँ पर जो 77 एकड़ जो भूमि है उसको सुसज्जित करने का प्रयास जो है राम कथा कुंज के द्वारा होगा। अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अगले साल ही होगी। संत समाज और संघ मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश की मांग कर रहे हैं। तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि मंदिर का निर्माण होकर रहेगा। इस बीच राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों की पहली झलक ने भक्तों के